Yeah, good afternoon. In this video, we'll discuss about momentum and its numerical. As I've already told you, the definition of momentum is, it is product of mass and velocity, right? Its symbol is P, my dear students, and the formula is M into V. What is this momentum? It is the product of mass and velocity. You can also say that momentum P is directly proportional to small m and it is directly proportional to small v as well. ठीक है? तो मास अगर जिस बॉडी का ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. ये ध्यान, मास पे मेन डिपेंड करता है. हाँ, मान लो एक बाइसिकल है और एक ट्रक है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन का कॉज करेगा? जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा. और ऑब्वियसली ट्रक का मास कहीं ज्यादा है बाइसिकल के मास से, तो इस वजह से मोमेंटम भी ट्रक का कहीं ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाइसिकल. मे बी बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी. अब इसकी यूनिट की बात करते हैं बेटा. मास का यूनिट होता है केजी, आप सभी को पता है. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. एक तो ये फॉर्मूला है जो आपकी बुक्स में गिवन है, और इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला है डेल्टा. इसे डेल्टा बोलते हैं, ट्राइंगल को ना क्या बोलते हैं? डेल्टा, या ट्राइंगल डेल्टा भी प्रोनाउंस करते हैं. ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. कई बार टीचर है ना इसको ऐसे भी लिख देते हैं, पी टू माइनस पी वन. ठीक है, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला है पी टू माइनस पी वन, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ये ध्यान रखना. अब बेटा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम इन टू वी, और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम इन टू यू. तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? एम आप कॉमन ले लीजिए, तो इसका फॉर्मूला है एम ब्रैकेट वी माइनस यू. याद रखिएगा क्या फॉर्मूला है? एम ब्रैकेट वी माइनस यू. ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है. अब मैं कुछ इस पर न्यूमेरिकल कर रहा हूँ. मेरे पास लखमीर सिंह है, पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 22 मैं कर रहा हूँ. मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ पहले आपके लिए. कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो क्लास यहाँ पर हमें मोमेंटम निकालना है, किसका? टॉय कार का. तो पी यानी मोमेंटम हमारा अननोन है, जो हमें फाइंड आउट करना है. टॉय कार है जिसका मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम. तो ये एम यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, राइट? ये कितना दिया हुआ? 200 ग्राम. अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना ना भूलें. उसके लिए क्या करोगे? आप इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आप सभी को पता है एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं. ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है. छोटे से बड़े में जाना तो हमेशा डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना. तो मास कितना आ गया? 0.2 kg आ गया. ठीक है, और स्पीड, ये वैसे मुझे पता है आपको स्पीड की जगह इसे फाइनल वेलोसिटी बोलते हो, लेकिन यहाँ वी स्पीड और वेलोसिटी एक बात है. वैसे भी आपको पता है मॉडुलस तो सेम ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो वी हमें कितना दिया हुआ बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ ऐसे लिख दो 5 मीटर पर सेकेंड. अब आपको मोमेंटम बताना है. मोमेंटम का फॉर्मूला एम इन टू वी. एम की जगह बेटा क्या आ गया था? 0.2 आ गया था, और वेलोसिटी की जगह 5 आ गया. अब ये 0.2 × 5 डायरेक्टली कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 kg m/s. क्या आंसर आ जाएगा? 1 kg m/s. तो मोमेंटम आ गया 1 kg m/s. ठीक है, अगला 23rd क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ. सेम इसमें से ध्यान दीजिए. 23rd क्वेश्चन सेज, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेइंग 1500 kg व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h. तो बेटा चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा पी. क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा पी. और डेल्टा पी किसका फॉर्मूला है? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला. ये हमें फाइंड आउट करना है. और एम यानी मास, किसका मास? कार का मास. कितना दिया हुआ है? 1500 kg दिया है, राइट? ये कार का मास गिवन है. अच्छा, स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 36 km/h दे रखी है. और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 72 km/h दे रखी है. और आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से. वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ क्या करो? 36 × 5/18 करो. तो
ये मीटर पर सेकंड में आ गया ऐसे, फिर 18 टू द 36 करो ये 25 का कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ करना है तो 72 इंटू 5 बाय 18 करो ये 18 फोर द 72 करो और 4 5 का ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम का अभी अभी मैंने फार्मूला डिराइव करके बताया था कि डेल्टा पी का बेटा फार्मूला होता है एम ब्रैकेट वी माइनस यू, एम की जगह 1500, वी कितना आया है 20 और यू कितना आया 10। ठीक है, तो ये करो सॉल्व, ये कितना हो गया 1500 इंटू 10 यानी कि ये कितना आ जाएगा 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसमें से चेक करना अंदर से उससे अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो क्लास एक और देखते हैं 24th क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास गिवन है 25 किलोग्राम और उसका मोमेंटम गिवन है 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं, मास कितना गिवन है, आज संजना भी नहीं लिख रही क्योंकि संजना 9th में जो है, मास है 25 किलोग्राम राइट, और मोमेंटम कितना है 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें वेलोसिटी यानी कि v निकालना है राइट, तो वेलोसिटी का बेटा क्या फॉर्मूला है, p इज इक्वल टू m इनटू v राइट, तो यहां से वेलोसिटी का क्या हो जाएगा p अपॉन m हो जाएगा, सिंपल इज दैट, p की जगह 125 और मास की जगह 25, तो यहां कट कीजिए 25 5 का, तो ये v कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, तो v हमारा कितना आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, 25th क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ पहले आपके लिए, आपको मोमेंटम बताना है, एक एलिफेंट है जिसका मास है 2000 केजी और वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए एल पी इज इक्वल टू डायरेक्टली कर रहा हूँ मैम इंटू वी होता है, एलिफेंट का मास कितना दिया हुआ बेटा 2000 केजी और वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 2000 इंटू 10 करोगे तो 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका मोमेंटम होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट में ये पी पार्ट था इसका, एक बुलेट है, बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, इसे पी वन दे दो बेशक, इसे पी टू दे देते हैं, अब तक तो आपको पता है ना पी फॉर मोमेंटम, दिस मच यू शुड नो। ओके, बुलेट का मास कितना दिया हुआ है 0.02 केजी और वेलोसिटी है 400, ये पॉइंट हटाओ ना डबल जीरो आएगा, 00 से 00 कैंसिल, 2408 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का बेटा हमें मोमेंटम निकालना था, तो एलिफेंट का मोमेंटम आ गया 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दो इसका मोमेंटम आ गया 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। थैंक यू।